गाइस, दिस इज ईशा गोयल एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं मूवी नेम्ड बेल बॉटम एंड स्टारिंग अक्षय कुमार एंड आई डोंट रिकॉल द हीरोइन नेम एंड सो फॉर दिस हमारा जो टाइमिंग है वो है 8:30 PM राइट नाउ एंड 35 मिनट्स रह गए हैं तो हम घर से निकलेंगे कुछ 10-15 मिनट में एंड तो उसके लिए हमने एक चीज़ ये करी है कि क्योंकि हम 8 बजे खाना नहीं खा सकते, जनरली हमारा जो टाइमिंग होता है खाना खाने का, डिनर का, वो होता है रात के 9:30 से 10 के बीच में, सो इट्स लाइक इम्पॉसिबल कि हम 8 बजे खाना खाते जाए मूवी देखने एंड द मूवी विल बी समथिंग लाइक 2.5 आवर्स और 3 आवर्स लॉन्ग, सो इट विल लाइक टेक अप टू 11 PM और 11:30 PM. सो इसकी वजह से ना तो हम 8 बजे खाना जल्दी खा सकते हैं एंड 11 और 11:30 PM विल बी टू लेट फॉर आवर डिनर. तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आलू उबाल के जाएंगे एंड जब हम वापस आएंगे 11:30 PM और 11 PM के आसपास तो हम लोग ब्रेड टोस्ट खाने वाले हैं आगे. तो या तो उसके लिए हम लोगों ने आलू उबाल दिए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू की सीटियाँ लग चुकी हैं, गैस बंद हो चुकी है एंड आलू उबल चुके हैं. आके बस इसका मसाला रेडी करेंगे एंड हम लोग ब्रेड टोस्ट खाएंगे. और दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहती हूँ, अभी तक हमने ब्रेड नहीं खरीदी है तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल एनीवन कि ब्रेड ले आओ जाके, वरना दुकानें भी बंद हो जाएंगी ब्रेड के लिए. दूसरा ये कि आज मेरा सेशंस लाइव प्लेटफॉर्म पे, एज यू ऑल नो मैं सेशंस लाइव पे एक लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ एंड सो आज मैं नहीं कर पाई. मेरा 11 PM आज एक सुपर ब्लू म्यूजिक फेस्टिवल में आज परफॉर्मेंस था, मेरा 15 मिनट परफॉर्मेंस था, लेकिन वो मैं आज नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मूवी इज़ नॉट अ रीज़न. एक्चुअली मेरा पहले से ही मन नहीं था, आई डोंट नो वाई मैंने उसको यू नो बुक करवा लिया था अपना स्लॉट. द रीज़न इज़ दैट पिछले 1-1.5 महीने से मैं सेशंस लाइव पे मतलब लाइव नहीं जा रही हूँ एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज सम ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़. एनी वेज तो उसकी वजह से काफ़ी दिन मेरे चले गए, बर्बाद हो गए एंड फिर उसके बाद स्टडीज़ हैं, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड सो करना पड़ता है आपको. इट्स नॉट जस्ट लाइक अगर आप लाइव जा रहे हो तो आपको पूरा लाइक कंडेंसर माइक है उसको पूरा सेटअप करना पड़ता है एंड यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक वर्क एंड लाइक आई एम क्वाइट लेजी इन दैट इन दोज थिंग्स. सो बहुत रीजन्स हैं या बहाने कह सकते हैं बट तो उसकी वजह से ये हुआ है कि पिछले 1-1.5 महीने से मैं क्योंकि लाइव नहीं जा रही थी सेशंस लाइव पे तो उस वजह से ये हुआ है क्योंकि मेरा आर्टिस्ट लेवल 7 था वो अब डिग्रेड होके वो नीचे जा चुका है लेवल 2 पे एंड लेवल 2 इज़ कंसिडर्ड एज द मिनिमम लेवल इन सेशंस लाइव फॉर एन आर्टिस्ट. सो एनी वेज दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन वन ऑफ देयर म्यूजिक फेस्टिवल्स नेम सुपर ब्लूम बट या आई एम नॉट परफॉर्मिंग टू नाइट. Either way, I'm going to watch the movie Bell Bottom. So yeah, after getting ready or anything, we will continue this vlog. And after this, I will like to give my personal reviews on the movie Bell Bottom. So हम लोग निकल चुके हैं अब movie देखने के लिए and everyone is getting so so excited. So yeah, goodbye, goodbye. मिलते हैं movie के बाद. ये मेरी मम्मी, ये मेरी दीदी and ये कहाँ है? ये रोता हुआ बच्चा पार्थ उसको रोने में ध्यान है अभी. सो हम लोग निकल चुके हैं, बाय बाय. लोड है ना तो सारा दिन से सब जाता है. अच्छा सब ये ज्यादा बजे के लिए लोड होगा ना उसको तो बेच पाएंगे. सारी ओके सो गाइस अब हम लोग एंटर कर चुके हैं द ओनली इकलौता सिनेमा हॉल यमुनानगर का जो कि है डिम्पल सिनेमा एंड बेल बॉटम वोरा एंड बेल बॉटम खिलाएंगे. आज हम बेल बॉटम पहनने वाले हैं. हियर इज द पोस्टर एंड दिस इज द ये लास्ट डे शो हम देख रहे हैं. यस
आज का लास्ट शो दैट इज ऑन 8:30, दैट इज एट 8:30 PM. हम रिटर्न टू द बिग स्क्रीन. यस, यहाँ हमने डिसाइड किया है हम इस एस्केलेटर का प्रयोग ना करते हुए हम जाने वाले लिफ्ट से, एंड उसके बाद हम जाके लेंगे टिकट्स. एंड होल्ड ऑन, हम लोग एंटर कर चुके हैं, सारे लिफ्ट में आ गए और मेरी मम्मी की धड़कने तेज. दूसरे में वो फर्स्ट फ्लोर आया तो ये आया फर्स्ट फ्लोर नहीं सेकंड है, ऊपर सेकंड लिखा है. इसके बिना तो मूवी अधूरी है. पॉपकॉर्न एंड नाचोस. तो इंटरवल हो चुका है एंड अब तक की जो रिव्यू है, ओह लाइट्स ऑफ. ओके सो गाइस, हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग मूवी. एंड हम लिफ्ट ढूंढ रहे थे ये नहीं जाओ तो जाओ वो भाई मेरे ब्लॉग वो री मेरी ब्लॉगिंग की दुकान है. तो हम सब मूवी देख के निकल चुके हैं, ये काम मेरा है जो अभी ये कर रही है. अब बस मेरा हो चुका है वीडियो, तो ये वीडियो तो डालता है नहीं, तो आई थॉट कि मैं ही इसको स्टार्ट करूं, मेरा ही चैनल चल जाएगा. ओके ये देखना कितनी चीख है, लिफ्ट में आ गए. ये नीचे देखिएगा क्या यार मेरी दुकान ले ली, मेरा काम इसने ले लिया. दो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अब एक को ना दो को करें. मेरा दुकान छीन लिया, मेरा दुकान छीन लिया. अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, प्लान चेंज हो गया है, घर में रखे हुए आलू नहीं बनाए जाएंगे टोस्ट में, अब हम जाएंगे रेस्टोरेंट और अब हम डिसाइड कर रहे हैं विच रेस्टोरेंट टू गो एंड ईट. शर्मा में शर्मा तो गाइस हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट, इसका नाम क्या है, शर्मा भोजनालय इसका नाम है. और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम यहाँ हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है कुछ पनीर की सब्जी, एक दाल की सब्जी. सो अब हमारा पैकअप हो चुका है, मूवी देख ली है, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया है, अब गाने चल रहे हैं तन्हाई, एज यू कैन लिसन इन माय बैकग्राउंड. अब हम जा रहे हैं घर की ओर. धन्यवाद. सो गाइस हम आ चुके हैं एंड फाइनली मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ. एंड आई वॉन्ट टू गिव सम ऑनेस्ट रिव्यूज अबाउट द मूवी बेल बॉटम. ओवरऑल इट वॉज ऑल फाइन, इट वॉज ऑल गुड, बेटर एंड बेस्ट. एंड एग्जैक्टली वही स्टोरी कि एक कैसे नॉर्मल इंसान एक कैसे रॉ एजेंट बन जाता है, इट्स ऑल अबाउट दैट स्टोरी. ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगी, दैट बेल बॉटम इज अ वेरी 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 गुड मूवी एंड आई वुड लाइक टू गिव 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5. सो या सो दीज आर माई पर्सनल रिव्यूज एंड आई मस्ट से कि आप एक बार जाके जरूर देखिए. एंड वैसे भी आफ्टर सो लॉन्ग ये पहली मतलब बॉलीवुड मूवी है जो थिएटर्स में आई है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट बट आई जस्ट थिंक दैट कि यही एक मतलब पहली मूवी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो थिएटर्स में रिलीज हुई है दोबारा. सो वैसे ज़्यादातर मूवीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर